व्यापार न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ कंचन अरोड़ा। जहां देश में पहले से ही जनता की सेवा करने के लिए कई पार्टियां गठित हो चुकी हैं, वहीं पर एक और पार्टी ने जनता की सेवा करने के लिए अपनी पार्टी का गठन किया है, जिसका नाम है अहिंसा दल। आपको बता दें कि दिल्ली के मदनपुर खादर में अहिंसा दल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पवन दिलपुरिया ने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के लिए एक आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और कहा है कि अगर हमारी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव जीतती है और उनकी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो वो देश से बेरोजगारी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के मदनपुर खादर में अहिंसा दल दिल्ली प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रदेश संगठन अध्यक्ष संदीप कुमार, नरेश कर, एम हसन, महासचिव राम अवतार भारती, कुलदीप कुमार, ललित शर्मा, सुभद्रा, ओमवती सिसोदिया, विजय चौहान, गब्बर चौहान, मनोज शाह, विजय राजपूत और विनोद भाटी शामिल हुए। वहीं सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन के आयोजन में अपना पूरा योगदान दिया। आपको बता दें कि अहिंसा दल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पवन दिलपुरिया ने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां झूठे वादे कर जनता को लुभाकर उन्हें गुमराह कर रही है। मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, लेकिन वो सभी वादे धरे के धरे रह गए। वहीं पवन दिलपुरिया ने ओखला के विधायक अमन अतुल्ला खान के लिए कहा कि जब से वो विधायक बने हैं तब से लेकर आज तक कभी भी जनता की समस्याओं को उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की है। अहिंसा दल पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने में जुटी है। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में अगर उनकी सरकार बनती है तो उनकी सरकार बेरोजगार लोगों की मदद करेगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने भी पूरा योगदान दिया और कहा कि हमारी अहिंसा पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है और महिलाओं को उनका हक दिलाने में पूरा सहयोग करेगी। देखा आपने, अहिंसा दल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पवन दिलपुरिया ने किस प्रकार से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि ये सारी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए सिर्फ झूठे वादे करती हैं और उन वादों को कभी भी पूरा नहीं करती हैं और वो सारे के सारे वादे वहीं के वहीं धराशाही हो जाते हैं। और उनका कहना है कि अगर उनकी पार्टी ऐसा कुछ करती है, इस अपनी सत्ता में आती है तो वो जनता से किए वादों को पूरा करेगी। कैमरामैन जीसान के साथ मैं कंचन अरोड़ा, वैश्य व्यापार न्यूज चैनल।